मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मैदे के करेले। तो शुरू करें, चलिए। यहाँ पर मैंने एक बाउल ये मैदा ले लिया है और ये दूसरा भी ले रही हूँ, और वजन से देखें तो 300 ग्राम, और इसमें ये 1/4 नमक लिया है और ये करायल ली है। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे मोयन के लिए। अब मैं इसको मोयन को मिला रही हूँ। जब इसकी मुट्ठी बंधने लगे तो आप समझ जाइए मोयन बहुत परफेक्ट हो गया है। अभी देखिए बिल्कुल नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ। ये देखिए ये मुट्ठी बंधने लगी, मेरा मोयन बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे वाइल पानी लिया हुआ है, अब इससे कड़ा डो गूथ लेंगे, पूरी से थोड़ा सा कड़ा। ये देखिए हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसको पट्टे में रख के इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी। ये देखिए इस तरह मैं सभी की गोल गोल ये लोइयां बना के रख लूँगी। ये देखिए हमारे डो की ये बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको एक एक करके बेलूँगी। ये देखिए इस तरह मैंने इसको बेल लिया है। अब चाकू की मदद से इस तरह इसके कट करती जाऊंगी बीच बीच में। ये देखिए फिर एक बार इस तरफ से मोड़ा, एक बार इस तरफ से मोड़ा, फिर दूसरी बार यहाँ से, फिर दूसरी बार यहाँ से, और ये इसको यहाँ पे चिपका दिया। इस तरह ये मैदे के करेले मैं सभी बना लूँगी धीरे धीरे करके। अब मैं दूसरी रोई बेल रही हूँ, इस तरह मैं सभी को बेल लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह सभी बॉल्स को बेल लूँगी। ये देखिए हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है और मेरी कढ़ाई हो रही है। अब मैं इसमें शुरू में तेज फ्लेम करूँगी, उसके बाद धीमी करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ।
जितने आ जाएं उतने डाल देते। मैंने यहाँ पे 5 डाले हैं और फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैं इनको पलट दे रही हूँ। ये देखिए मेरे सारे करेले पलट चुके हैं। इनमें 3-4 मिनट लग जाता सेकने में, स्लो फ्लेम में सेकते हैं। ये देखिए हमारे करेले हल्के गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह से करने से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। अब मैं इनको टिश्यू पेपर में रख दूंगी और इसमें तेज फ्लेम करके दूसरा बैच डाल दूंगी। अब इसको स्लो फ्लेम करके होने दूंगी। ये देखिए हमारा सेकंड बैच भी बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। इसी तरह मैं और जो बचे हुए करेले हैं उनको भी सेक लूँगी, फिर आपको मैं सर्व करके दिखाऊंगी। ये इनको भी मैं सेक के बाद में दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे करेले पूरे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसके सब एकदम कली कली दिख रही है। ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी बने हुए हैं। और इनको तोड़ें तो ये अलग अलग पीस होते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप भी मेरी रेसिपी को मेरे अनुसार बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय जिनेंद्र।